शुरुआत का ही करने के लिए इन्होंने जो अपना
टारगेट रखा है 30 तारीख तक पूरे भारत वर्ष में, उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। हमारे हरियाणा के जो शुरुआत है वो यहाँ से सिरसा से हो रही है, हमारा शुभाग्य था। संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी के साथ भी आपने मौके का निरीक्षण किया सारा, तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? अभी अलग अलग राजू जी आ जाए थे संगठन मंत्री हमारे, उन्होंने मीटिंग ली है, कल से भी हुई है, सिरसा में कल लिया जाकर भी आए हैं, और उन्होंने हमें बहुत से ग्रुप ऐसे बताए कि आप ऐसे करें ऐसे करें जनता को जागरूक करने के लिए, वो हम सब लाइनअप पहुँचते हैं, काम शुरू कर दिया है। कल से धरातल पर उतर जाएंगे, अलग अलग जगह लोग जाएंगे, वार्डों में शहर में अलग अलग युवा लग जाएगा, लेडीज लग जाएगी, लोगों में उत्साह डालने के लिए सभी में, और वैसे उत्साह बहुत है शिक्षा के अंदर, क्योंकि देखिए सभी के अंदर एक उत्साह है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको देखने का, रैली को देखने का, कुछ पंडाल देखने का उत्साह है लोगों में, पूरे जिला में उत्साह है। लोकसभा क्षेत्र की रैली है, 9 हल्के लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ से कार्यकर्ताओं को लोगों को लाने के लिए क्या व्यवस्था है? अलग अलग ड्यूटियाँ लगा दी है, गाड़ियाँ भी हैं, बसें भी हैं, कुछ अपने व्हीकल है, लोग अपने अपने तरीके से आएंगे, लेकिन ये लोकसभा की रैली सबसे बड़ी रैली है, 1,00,000 से ऊपर लोग यहाँ आएंगे।